हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस राज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राज टेक में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक इको चैम्बर इफेक्ट मशीन को आप एक एम्पलीफायर से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफेक्ट मशीन को हमें एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए एक वायर की जरूरत पड़ेगी जो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, और एक एम्पलीफायर और इफेक्ट मशीन और एक माइक, जो कि मैंने सिंपल माइक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस वायर को इको मशीन के आउटपुट कॉर्ड में लगाना है यहाँ पे, और इसे आप एम्पलीफायर के किसी भी माइक में लगा सकते हैं। तो मैं माइक 4 में लगा रहा हूँ, या माइक 3 में भी आप लगा सकते हैं। तो चल, फिर उसके बाद हम एक माइक लेंगे, सिंपल माइक है, और उसे इको मशीन के किसी भी एक माइक में लगा देंगे। इसमें 4 लगाने के लिए दिए गए हैं, 4 कॉर्ड लगाने के लिए। तो माइक 1 में मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पावर ऑन करेंगे। ये मैंने एम्पलीफायर का पावर ऑन कर दिया और बस इको मशीन का पावर ऑन कर दिया। तो उसके बाद माइक से ऑन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ वॉल्यूम माइक इको मशीन से वॉल्यूम दीजिए, वही लगभग 5 के करीब में। फिर एम्पलीफायर से वॉल्यूम, हेलो हेलो, ये सिंपल आवाज है और इस आवाज को हम बदलेंगे। इको से मैं यहाँ पे लगभग 2 के करीब में दे रहा हूँ, रिपीट वही 3 और स्पीड वही 5। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों, ये बहुत पतला आवाज है, इसलिए आवाज को भारी करने के लिए हम थोड़ा सा बेस देंगे एम्पलीफायर से। तो स्पीड आप जितना देंगे उतना स्पीड ये आवाज आएगी। तो 6 दे देता हूँ। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में कैसे मैंने एक इको मशीन को एक एम्पलीफायर से कनेक्ट किया और यूज किया। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं।